हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आज आपका GTA के अवेंजर सीरीज के 6th एपिसोड में। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा हो चुका है कि आपको पिछली वीडियो में याद होगा कि थॉर ने एक अपना नया घर लिया था, जिसका मैंने आपको अभी हाउस टूर दिखाना था। बट उसके बीच में अभी थॉर ने अभी एक पार्टी देनी है अपने न्यू हाउस के लिए। तो अभी आपको मैं टूर तो बाद में दिखाऊंगा, पहले मुझे थॉर का फ़ोन आया कि पार्टी पर आ जाओ, मैंने पार्टी देनी है। और पार्टी की लोकेशन उसने हमें भेज दी, हमारे घर के काफ़ी पास है वो। तो हम पहले वहां पर जाएंगे और सभी वहां पर ही होंगे, तो उधर जाके पहले हम चिल वगैरह करेंगे। फिर मैं आपको वीडियो के एंड में या अगली वीडियो में आपको उसके थॉर के हाउस का टूर दिखा दूंगा। तो गाइस, अब हम घर से जा रहे हैं प्रीमियम डिलक्स मोटर स्पोर्ट पर। पार्टी तो अभी रात के 8-9 बजे है और मैं सोच रहा था कि थॉर को गाड़ी वगैरह गिफ्ट करते हैं। यहाँ पर काफ़ी कूल कूल कार्स खड़ी होती हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छी सी कार ले लेते हैं, महंगी सी, उसको अभी चाहिए ही होगी, क्योंकि अभी तो आया वो हमारी सिटी में, उसको अभी नया घर लेके दिया, उसके पास कार तो है नहीं, मैं श्योर हूँ। तो उसको एक कार तो लेके देनी पड़ेगी। अच्छे फ्रेंड हैं हम, टोनी शाक हैं हम, सारा कुछ हमें लेके देना है। तो गाइज, एक बार हम इस गाड़ी में बैठ चुके हैं और इसको हम ट्रायल के लिए नहीं लेके जा सकते, पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा कहा, शायद पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हम इसका इंटीरियर वगैरह चेक करते हैं और एग्जॉस्ट वगैरह चेक कर लेते हैं। और लुक्स वगैरह तो आप देख ही सकते हो, एग्जॉस्ट इसका अच्छा है सुनने में, और इसका इंटीरियर कुछ ऐसा है, अभी मैंने देखा नहीं है तो एक बार देख लेते हैं। प्लेन सही है, अच्छा है, लेकिन क्लासिक है। तो गाइस, फिलहाल हम दूसरी गाड़ी में बैठ चुके हैं ट्रायल के लिए। तो हम, मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी गाड़ी नहीं लेके जा सकते यार, पेट्रोल का इनको घाटा पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या है। तो इसलिए लुक्स वगैरह तो इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा तगड़ी है इन दोनों कार से, और इसका इंटीरियर वगैरह, एग्जॉस्ट इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब स्मूथ है और साइलेंट है, मतलब गाड़ी भी शायद भागने में काफ़ी अच्छी होगी, फील आती है। मैंने थोड़ी सी पीछे कर दी, चलो कोई बात नहीं। और इसका इंटीरियर उससे काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है उसके। तो गाइस, फिलहाल हम थर्ड गाड़ी में बैठ चुके हैं और इसको भी हम ट्रायल के लिए नहीं लेके जा सकते। तो आप एक बार लुक चेक कर लो, और इसका एग्जॉस्ट वगैरह अच्छा है, ठीक है, और इसका इंटीरियर कुछ ऐसा है, मेरे तो बहुत नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इसका इंटीरियर, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं आपको डिसाइड करके बताता हूँ कि कौन सी गाड़ी अच्छी है और कौन सी गाड़ी हम लेके जा रहे हैं एक बार। तो गाइस, हमने ये वाली गाड़ी बुक कर ली, और मतलब उसने कहा है कि हमारे घर पर ही सीधा ये डिलीवर करवा देगा ये वाली गाड़ी। मुझे इसकी काफ़ी लुक्स अच्छी लगी, एग्जॉस्ट वगैरह, और दोनों का सिमिलर सही है इंटीरियर, बिल्कुल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए फिर हम ये वाली गाड़ी को ये डिलीवर करवा देगा, अपनी गाड़ी में हम बैठ कर अपने घर पर चलते हैं फिलहाल, और फिर उसकी पार्टी पर चलेंगे जब हमें बुलाएगा। तो गाइज, हम फिलहाल घर पर पहुंच चुके हैं और मुझे बस वो गाड़ी आने का देर है, मैं एक बार टेस्ट ड्राइव पर जाऊंगा, तो फिर उसको फिर हम पार्टी पर सीधा गाड़ी गिफ्ट कर देंगे। तो गाइज, दोपहर से रात हो चुकी है और अभी इन्होंने कार को डिलीवर किया। मुझे तो टेंशन हो गई थी कि वो कार डिलीवर करके भी जाएंगे कि नहीं, इतनी ज़्यादा लेट कौन करता है। उन्होंने कहा था कि 1 घंटे के करीब हम कर जाएंगे कार को डिलीवर, बट इन्होंने 5 से 6 घंटे ले लिए। चलो कोई बात नहीं, अभी इन्होंने कार तो डिलीवर कर दी है। तो गाइस, कार में बैठते हैं और चलते हैं थॉर की पार्टी में। टाइम हो चुका है और फ़ोन तो खैर उसका नहीं आया, भूल गया होगा यार, इतना बिजी है वो मतलब अपनी पार्टी की तैयारियों में। तो गाइस, फिलहाल मैंने कैप्टन अमेरिका को फ़ोन किया है, क्योंकि थॉर हमें अपने पार्टी की लोकेशन भेजना ही भूल गया, और अभी कैप्टन अमेरिका ने हमें लोकेशन भेजी है। तो लोकेशन कुछ यहाँ पर है मैप पर, तो यहाँ पर एक बार चलकर देखते हैं और बाद में पता लग ही जाएगा हमें पार्टी कहाँ पर है। तो एक बार जल्दी से चलते हैं, पार्टी तो हमारे काफ़ी नज़दीक है, घर से सिर्फ 0.80 माइल्स का ही फ़र्क है। तो इसकी ये नई गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है यार, काफ़ी अच्छी चलती है, हमारी चॉइस अच्छी है, हमने बिना ट्रायल ये भी इतनी अच्छी गाड़ी चूज़ कर ली, हैट्स ऑफ टू मी। तो गाइस, हम थॉर की पार्टी में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मैंने उसकी कार पार्क कर दी है, यहाँ पर इसको हम सरप्राइज़ दे देंगे जब वो बाहर आएगा हमारे साथ। तो एक बार हम पार्टी के अंदर चलते हैं और उनसे मिलते हैं, सारे पहुंच चुके हैं पार्टी में, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, थॉर सभी हैं पार्टी में। तो हम लेट हो गए थे थोड़ा सा यार, कार वगैरह लेट हो गई थी, आप समझा करो, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। तो गाइस, इतने बड़े घर में ढूंढते ढूंढते यहाँ पर मुझे ये चारों मिल चुके हैं, और मैंने अब थॉर को एक सरप्राइज़ देना था। इन चारों ने मुझे घेर लिया है, कह रहे हैं इतनी लेट क्यों आया अभी,
फिर इनको बताना पड़ेगा कि क्यों लेट आया हूँ, गाड़ी के चक्कर में मैं लेट हो गया था। तो थॉर को बाहर लेके चलते हैं और दिखा देते हैं इसको इसका सरप्राइज, ये शायद से खुश हो जाएगा यार। तो गाइस सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, थॉर अपना कार के पास चला गया है, उसको कार बहुत ज़्यादा पसंद आई है उसका कहना है। मतलब मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है, हमने काफ़ी अच्छी कार उसके लिए चूज़ की है। अभी वो एक बार इसके अंदर बैठ के देखेगा, फिर घर जाते समय इसके ऊपर टेस्ट ड्राइव ले लेगा अपनी, तो एक बार इसको इसमें बैठ कर देखना है। तो गाइस थॉर बैठ चुके हैं अपना गाड़ी में और फीचर्स वगैरह को इसके देख रहा है, इसको गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और हम अभी पार्टी में चलते हैं, थोड़ा चिल वगैरह करते हैं और फिर ये गाड़ी को चलाकर भी देखेगा बाद में। तो गाइस हम बाहर खड़े थे, मैं थॉर को उसकी कार दिखा रहा था नहीं, और एकदम से बहुत सारे गुंडों ने अटैक कर दिया यहाँ पर, हमने सारी पब्लिक को एक बार इस विला के अंदर भेज दिया है और बहुत ज़्यादा गंदे वाला अटैक है। मैंने थॉर और मतलब थॉर ने भी अपनी पावर्स को इक्विप कर लिया और कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन अपना गया किसी काम से, वो पब्लिक वगैरह को भी प्रोटेक्ट करना दूंगे। पूरी सिटी में इन्होंने हलचल मचा दिया गुंडों ने, तो यहाँ पर हम पब्लिक की हेल्प तो करनी है गाइस। वैसे इन छोटे मोटे लोगों के लिए मुझे आयरन मैन का सूट पहनने की ज़रूरत तो नहीं थी, बट मैंने सोचा चलो अब क्या कर सकते हैं, वेपन्स अभी हाथ में नहीं थे वो पार्टी के लिए, फिर अब वेपन्स कौन लेके आता है गाइस, समझने की कोशिश करो। और ये मैं गुंडों की काफ़ी सारी तबाह कर दी हैं गाड़ियाँ, थॉर अपना पूरा अपने हैमर से बिजली वगैरह गिरा रहा है इन पर, और मैं भी इनको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इनकी गाड़ियों को पहले सारा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओ भाई क्या अलग ही पावर्स आ रही हैं आयरन मैन के पास, और ये थॉर भी बहुत तगड़ा है। इन सब गाड़ियों में गुंडे ही गुंडे हैं, जहाँ पर रेड मार्क्स है ना वो सारे गुंडे ही हैं। ओके तो आयरन मैन ने इस पर मिसाइल मारने का फैसला, ये देखो बाइक पर कैसे बैठ के आए, बाइक पर कैसे बच जाओगे अगर गाड़ियों में नहीं बच पा रहे, दिमाग मूव है कि नहीं, एकदम गधे ही है वो। ओके तो आयरन मैन और आयरन मैन कह रहा हूँ कैप्टन अमेरिका और थॉर अपना गए हुए हैं दूसरी तरफ संभालने, जहाँ पर बहुत सारे गुंडे, हम भी वहाँ पर चलते हैं। काफ़ी सारी गाड़ियाँ लेके आए हैं ये, इनके पास चॉपर वगैरह भी है क्या, क्या मुझे लग रहा है ऊपर से मेरी गोलियाँ वगैरह पड़ रही हैं। यहाँ पर एक्सप्लोजन होगा ना सारे बंदे मर जाएंगे एकदम से, हमको तो कोई टेंशन नहीं है, हमारा मतलब सूट काफ़ी तगड़ा है, इन एक्सप्लोजन से हमें कोई फर्क खास पड़ता नहीं है। और ये देखो कैसे पूरी गंज वगैरह गाड़ियों में लगा के लेके आए हैं, मुझे लग रहा है ये ब्लैक गैंग के मेंबर हैं। एक मिनट मुझे इनकी ड्रेस देख लेने दो, लॉस सैंटोस में इन्होंने पंगा खड़ा किया, जी हाँ ये ब्लैक गैंग के मेंबर ही हैं। तो गाइस फिलहाल लड़ते लड़ते सुबह हो चुकी है और बहुत सारे गुंडे आ गए हैं यार, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। होपफुली मैंने इनके बहुत सारे, पुलिस भी हमारे पीछे ही बढ़ गई है, वाह 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 क्या बात है। मैं एक मिनट उसको फ़ोन करके कह देता हूँ कैप्टन अमेरिका को कि पुलिस पीछे से हटवाए। तो गाइस मैंने कैप्टन अमेरिका को फ़ोन करके कह दिया कि ये हमारे साथ ही लड़ रहे हैं, तो पुलिस लेके आने की कोई बात नहीं है ख़ास। तो कैप्टन अमेरिका ने पुलिस पीछे से हटवा दिया हमारे से फिलहाल। यहाँ पर भी कुछ आ रहा है साइन यार यहाँ, ओके ओके तो इनके पास चॉपर और भी हैं बहुत सारे, मैं ऑलरेडी इनके बहुत सारे चॉपर्स डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। तो थॉर ने संभाल लिया उनका वो वाला चॉपर, नाइस, सारे अपना अपना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है इनका, ओके तो इनकी गाड़ियाँ कुछ यहाँ पर पड़ी हैं, वैसे तो इनमें बंदा था नहीं, फिर भी ख़त्म तो हमें को सारा कुछ ही करना पड़ेगा ना, ताकि कोई मतलब हलचल बाद में बचे ही ना सिटी में। और ये क्या आ रहा है मार्क, हमें हर बंदा मारना है इधर का, हर बंदा मारना। ओके तो यहाँ पर ये छुप के स्नाइपर वगैरह से स्नाइप कर रहे थे हमें। ओके तो डॉक्टर स्ट्रेंज और यहाँ पर हैं थॉर, तो फाइट आई थिंक तो सारे एनिमीज ख़त्म हो गए हैं, रास्ते हम लगे हुए हैं तो जी हाँ सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो गाइस हमारी गुंडों के साथ अब फाइट ख़त्म हो चुकी है फाइनली, रात से पूरा दिन हो गया लड़ते लड़ते। स्पाइडरमैन ने पूरी पब्लिक को उधर हाउस में रोक के रखा हुआ था, जितने भी वहाँ पर लोग थे, इसने बहुत अच्छा काम किया और हम चारों ने सारे गुंडों को मिलके ख़त्म कर दिया। और गाइस जो मैंने एक उसको कार गिफ्ट की थी थॉर को इसकी पार्टी के लिए, वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, गुंडों ने उस पर एक दो मिसाइलें मार दी। उधर जितनी भी कार्स खड़ी थी सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई, या थॉर को वो कार बहुत पसंद थी, तो अब ऐसे बेचारे का सरप्राइज चले जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना।
तो इसलिए थॉर को एक और कार गिफ्ट करनी तो बनती है। तो और थॉर कह रहा है कि मुझे ना इन सब के पीछे लॉकी का हाथ लग रहा है, क्योंकि जब थॉर ने नया हाउस लिया था तो लॉकी का मूड कुछ अच्छा नहीं था, और थॉर ने लॉकी को नए हाउस की पार्टी में भी नहीं बुलाया था। पता नहीं गाइस क्या सीन है, फिर अब अगली वीडियो में आप देख लेना। और मुझे पता है मैंने इस वीडियो में भी आपको थॉर के हाउस का टूर नहीं दिया, तो कोई बात नहीं गाइस, मैं आपको अगली वीडियो में उसके हाउस का टूर पक्का दूंगा। और आई होप सो इसके पीछे लॉकी का हाथ ना हो, तो यार नहीं तो वो बहुत गंदा पिटने वाला है हम सबसे। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपने इधर तक देख लिया तो लाइक तो आप करोगे ना यार, आपको पसंद आई इसलिए आपने इधर तक देखा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।